नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जनवरी 2023 के महीने में आ चुकी है बम्पर भर्तियां। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए टॉप 5 सरकारी नौकरी की जानकारी लेकर आए हैं जिनके नए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। दोस्तों यहां पर जो भर्ती देखने को मिल रही है जनवरी 2023 के महीने में 65,000 से अधिक पदों पर नई भर्तियां हैं जो कि अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से भर्ती है, जैसा कि रेलवे से है, एसएससी से है, बैंक से है, पुलिस से है, आर्मी से है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से है, मतलब काफी सारी भर्तियों के नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुके हैं। दोस्तों इस साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है बम्पर भर्तियों के साथ में, जो कि जनवरी के इस महीने के अंदर नई भर्तियां हैं। पूरी भर्तियों की जानकारी हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाने का, तो आप अपना सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हम आपको बताएंगे कैसे मिलेगी आपको एक सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके अगर आप ये बेल आइकन दबा देते हैं तो, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जनवरी 2023 की नई और ताजा भर्तियों के बारे में जो कि टॉप 5 सरकारी नौकरी है। दोस्तों 65,000 से अधिक पद यहां पर जारी हो चुके हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती है। तो दोस्तों अगर आपके पास में इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए अगर आप केवल 10th पास ही हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया की जॉब है, मतलब पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स वहीं अप्लाई कर सकते हैं, लड़के और लड़कियां, मेल फीमेल। वही दोस्तों उम्र सीमा जो है कम से कम 18 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के हैं तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन करने योग्य हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों अधिकतम जो आयु सीमा है वो है 55 साल तक की, तो अगर आपकी उम्र है 18 से 55 तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी सभी जानकारी आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देते हैं। दोस्तों हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो है sarkaritodaynews.com। यहां पर दोस्तों आपको रोजाना सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, तो वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। दूसरे नंबर की जो वेबसाइट है वो है neovoltaic.co.in। दोस्तों यहां पर भी आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर वन वैकेंसी की, जो है बीएसएनएल की भर्ती। जी हां दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की तरफ से 11,705 पदों पर आ चुकी है बम्पर भर्ती। दोस्तों यहां पर जो पद जारी किए गए हैं, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर जेटीओ के पद जारी किए गए, जिसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं। दोस्तों इस भर्ती के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो चयन प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सैलरी की बात की जाए तो 16,400 से 40,500 रुपए महीना आपको सैलरी मिल रही है, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। कम से कम 16,400 आपकी बेसिक पे स्केल रहेगी, इसके अलावा आपका ग्रेड पे होगा और आपको अलग काफी सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे। उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 20 साल है इस भर्ती के लिए और 35 साल जो है अधिकतम है। आयु सीमा में छूट भी है। एप्लीकेशन फीस जो है यहां पर सभी के लिए है, जनरल ओबीसी के लिए 1,000 है, एससी एसटी के लिए 500, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एमएससी या अगर आप सीएससी पास है या बीबीटेक पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसकी आवेदन जो है 10 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेंगे। यह रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा जो कि बीएसएनएल की तरफ से जारी हो चुका है। यहां पर आपको भर्ती की पूरी जानकारी दे रखी है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की भर्ती की ओर, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भर्ती है यानी कि वन विभाग की भर्ती है। दोस्तों यहां पर अलग अलग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं 1,924 पद यहां पर जारी किए गए हैं। सबसे पहले नंबर का जो पद है वो है फॉरेस्ट गार्ड का, उसके बाद फॉरेस्टर ग्रेड वन का है, और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कांस्टेबल कमांडो के पद हैं, ड्राइवर के हैं, कुक के हैं। दोस्तों यहां पर लगभग 2,000 पदों पर भर्ती है जिसके आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। सैलरी आपको 18,000 से 29,200 रुपए महीना मिल रही है। उम्र सीमा की बात की जाए तो 18 से 30 साल तक की है। आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 8वीं क्लास पास से लेकर के 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। दोस्तों इसके आवेदन जो है 16 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, 15 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का, और यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसे आप चेकआउट करके जानकारी लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं तीसरे नंबर की एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि आधार कार्ड की तरफ से नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीआई की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती।
जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार कार्ड की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है अलग अलग पदों पर भर्ती है। आरओ के पद हैं, एसओ के पद हैं, डायरेक्टर के पद हैं, अकाउंटेंट ऑफिसर के पद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइंग डायरेक्टर के पद हैं, अकाउंटेंट के हैं, स्टेनोग्राफर के हैं, असिस्टेंट के हैं, काफी सारे पद हैं। ये जो भर्ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जिसके आवेदन आप चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको आधार कार्ड के रूल्स के मुताबिक मिलेगी यानी कि यूआईडीआई के रूल्स के मुताबिक आपको मिलेगी। जॉब लोकेशन जो है ऑल इंडिया की है। एज लिमिट जो है 18 से 56 साल तक की है। तो अगर आपकी एज 18 से 56 तो अप्लाई कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर एनी ग्रेजुएट और एनी पोस्ट ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, सीधी भर्ती है। दोस्तों यहां पर आवेदन शुरू हो चुके हैं, एज सून एज पॉसिबल लास्ट डेट है। यह लिंक अप्लाई करने का, यहां पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो निकाली जा रही है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से। जी हां दोस्तों, रेलवे की तरफ से आ चुकी है बंपर भर्ती। 4103 पद यहां पर जारी किए गए हैं। अलग अलग पद हैं, एसी मैकेनिक के पद हैं, कारपेंटर के हैं, डीजल मैकेनिक के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के हैं, फिटर के हैं, मैकेनिस्ट के हैं, काफी सारे पद हैं, पेंटर वेल्डर काफी सारे पद हैं। 4100 से अधिक पद हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, मतलब आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, सीधी भर्ती है। सैलरी आपको एज पर रोज मिलेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे की जॉब लोकेशन है। एज लिमिट जो है 15 से 24 है। आयु सीमा में छूट है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 100 है, एससी एसटी वुमेन पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन करना होगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर 10वीं पास, 12वीं पास और आईटीआई पास के लिए भर्ती है। इसके आवेदन जो है 30 दिसंबर से 29 जनवरी 2023 तक चलेंगे। तो 29 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। यह लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो निकाली जा रही है, राजस्थान टीचर रिक्रूटमेंट 2023। जी हां दोस्तों, राजस्थान शिक्षा बोर्ड की तरफ से 48,000 पदों पर प्राइमरी टीचर यानी कि ग्रेड थर्ड की भर्ती आ चुकी है। बंपर भर्ती है प्राइमरी टीचरों के पदों पर। 48,000 पदों पर भर्ती है जिसके आवेदन जो है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। सैलरी आपको 9,300 से 34,800 रुपए महीना मिलेगी और 3600 का आपका ग्रेड पे होगा। उम्र सीमा, एज लिमिट जो है 18 से 40 साल है। आयु सीमा में छूट है। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 450 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 350 है, एससी एसटी बीपीएल के लिए 250 है और पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। राजस्थान की जॉब लोकेशन है। क्वालिफिकेशन में 12th पास, ग्रेजुएट पास और बीएड पास के लिए भर्ती है। दोस्तों इसके आवेदन जो है 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक चलेंगे। हीरा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो निकाली जा रही है सीआरपीएफ की तरफ से। जी हां दोस्तों, सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2023 का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के पद हैं और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनो के पद हैं। 1458 लगभग 1500 पदों पर भर्ती है जिसके आवेदन आपसे दोस्तों ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। डिफेंस की जॉब है। सैलरी आपको 25,500 से 92,300 रुपए महीना मिलेगी। जॉब लोकेशन जो है पूरे भारत की है। ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं मेल और फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होंगे, उसके बाद आपके मेडिकल एग्जाम होंगे। उम्र सीमा जो है 18 से 25 साल तक की है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियम अनुसार। आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी के लिए फ्री है। पेमेंट जो है सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन करना होगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 यानी कि 12वीं क्लास पास कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है 4 जनवरी से 25 जनवरी 2023 तक चलेंगे। हीरा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो निकाली जा रही है आंगनवाड़ी की भर्ती महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से। जी हां दोस्तों, आ चुकी है आंगनवाड़ी की नई भर्ती। आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर के पद यहां पर जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर 750 पद यहां पर जारी किए गए जिसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। चयन प्रक्रिया में टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। एज लिमिट जो है 18 से 45 है। आयु सीमा में छूट है। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती है। वेस्ट बंगाल की जॉब लोकेशन है। आवेदन शुरू हो चुके हैं 7 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। यह लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की जनवरी की टॉप 5 नई भर्तियों की जानकारी। कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।